मुंबई में बांद्रा स्टेशन के पास एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी दूसरी मंजिल पर बॉम्बे गेस्ट हाउस स्थित था। इस गेस्ट हाउस के बाहर लिखा रहता था कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं सिर्फ उनके रहने के लिए ही ये जगह है। 1940 से 1960 के दशकों में भविष्य के बहुत सारे एक्टर इसी गेस्ट हाउस में रुका करते थे। भविष्य के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार उनके संघर्ष के दिनों में यहाँ सोया करते थे। मेहनत करते करते 1960 के दशक में राजेंद्र कुमार सुपरस्टार बन गए। राजेंद्र कुमार के स्टार बनने से बॉम्बे गेस्ट हाउस की वो खटिया भी मशहूर हो गई जिस पर राजेंद्र कुमार संघर्ष के दिनों में सोया करते थे। और राजेंद्र कुमार की खाट के दाम दुगने हो गए। जब भी एक्टर बनने का सपना लेकर लड़के बॉम्बे गेस्ट हाउस जाते थे तो वहाँ के एजेंट फुक्कड़ भाई उनको राजेंद्र कुमार की खाट किराए पर लेने की सलाह देते थे। फुक्कड़ भाई कहते थे कि उस खाट पर सोने की वजह से ही राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बने और बहुत बड़ा बंगला खरीद सके। इस खाट की मार्केटिंग इतनी बढ़िया हो गई थी कि बहुत से लड़के ये मानने लगे थे कि उस खाट पर सोने की वजह से ही उनकी किस्मत चमक उठेगी।